आदमी का जो अंडकोष होता है उसके अंदर जो छोटी छोटी नसें होती हैं जिनमें से खून का प्रवाह होता है, वो जब रुक जाती हैं तो वो खून का प्रवाह नीचे तो आ गया लेकिन ऊपर जाना जो है रुक जाता है, तो इसकी वजह से वैरिकोसील की समस्या होती है। कुछ इसके बाह्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे लात लग गई हो किसी को या बिना लंगोट के रेस लगा दी हो, ये भी इसके कारण हो सकते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको वेरिकोसील की वजह से दर्द होता हो या जलन होती हो, बहुत ही कम लोग, नहीं तो अधिकतर लोग ऐसे होते हैं वो अपनी वेरिकोसील की समस्या को लिए घूमते रहते हैं, उनको कोई दर्द नहीं होता, कोई पेन नहीं होता, कोई समस्या नहीं होती। बस इसकी एक समस्या है जो सबको हो सकती है, वो ये है कि शुक्राणु जो होते हैं, हमारी नसों में शुक्राणु होते हैं, शुक्राणुओं की जो संख्या होती है वो घटने लग जाती है, ये समस्या होती है। आज से लगभग 2 महीने पहले तक हम यदि किसी का वेरिकोसील के लिए हमारे पास कॉल आ जाती थी तो हम मना कर देते थे कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, आप ऑपरेशन ही करवा लो, यही बोलते थे। लेकिन अब है इसका हमारे पास, हमने 2 व्यक्तियों का ट्रीटमेंट किया है, उनको लाभ हुआ है, 2-4 का किया बल्कि, तो उनको लाभ हुआ है तो हमें उम्मीद जगी है कि हाँ इसका हो सकता है। तो ये वात पित्त और कफ जो हमारे 3 दोष होते हैं उनमें इसकी वजह होती है वात। जब हमारा वात कुपित होता है तो वो इन धमनियों में जो रक्त होता है उसको सुखाने लगता है, उसको गाढ़ा बना देता है, जिसकी वजह से ये समस्या होती है। तो फिर इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसको ठीक करने के लिए हमें सबसे पहले सुबह उठते ही खाली पेट गर्म पानी के साथ आधी चम्मच त्रिफला और शाम को सोते समय दूध के साथ आधी चम्मच त्रिफला, खट्टी चीजें, ज्यादा मीठी चीजें और नमकीन चीजें और तीखी चीजें, ये तीखी और खट्टी कम से कम खानी है, तीखी और खट्टी चीजें कम से कम खानी है, मीठी खा सकते हो और नमकीन चीजें भी जहां तक हो सके कम से कम खाओ, और त्रिफला आधी आधी चम्मच सुबह शाम, शाम को दूध के साथ और सुबह गर्म पानी के साथ, वृद्धि वाटिका वटी गुनगुने पानी के साथ दो दो सुबह शाम, और वृद्धि हर वटी दो दो सुबह शाम वो भी पानी के साथ, ठीक है। इसके बाद एक चंगेरी होती है, चंगेरी होती कैसी है दिखने में वो भी हम आपको जरूर, जो है ये जो ऊपर पोस्टर लगाया है हमने इसका, ये चंगेरी है। जो चंगेरी होती है, चंगेरी का रस आज इस कान में, कल छोड़ करके परसों इस कान में डालना है, फिर 1 हफ्ता कुछ मत करो, फिर इस कान में, फिर 1 दिन छोड़ करके इस कान में, ऐसे यदि आप 4 बार चंगेरी का रस डाल दोगे तो आपकी वैरिकोसील की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी, समस्या खत्म हो जाएगी और 1 हफ्ते में ही जो है आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, और भी अच्छी आपकी जो है एनर्जी बने, अच्छा भूख लगे, पेट में दर्द, कुछ लोगों को पेटू में या पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से, उन लोगों को जो है साथ में शिलाजीत का भी सेवन करना चाहिए और अग्निमुख चूर्ण का भी सेवन करें। यह मुश्किल से 1 महीने का जो आपका ट्रीटमेंट है और आप ठीक हो जाओगे। ऐसी ही जानकारी यदि आपको आगे भी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि आगे जब हम कोई वीडियो शेयर करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके।